मैं झारखंड सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखंड से। हमारे एडेगा पंचायत में मुंडा समुदाय के लोग रहते हैं। इस गांव में एक तालाब है जो कि 15 एकड़ 30 डिसमिल में फैला हुआ है। पिछले 10 साल से जलकुंभी के आ जाने से यहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहां के लोग नहाने धोने में भी असुविधा हो रही है और यहां पानी के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। मैंने इस विषय पे अगस्त 2012 में भी एक वीडियो बनाया था। ये समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है और यहाँ के जो किसान हैं, जिनका ज़मीन तालाब के नीचे है, उन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि बारिश का पानी जब तालाब से निकलता है तो साथ में जलकुंभी भी निकलती है और इनके खेतों में पूरा छा जाती है। खेत में पूरा वो जलकुंभी घास पूरा खेत में फैल जाता है। उसके बाद जो धान का खेती होता है ना, उस मतलब वो धान का खेती गलने लग जाता है उसमें। इसी वजह से मतलब धान मतलब कम से कम 2-2.5 साल से नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति उधर सिमडेगा साइड का ही, विनोद क्रिकेटा अपना नाम बताता है, कहता है कि मैं टेंडर लिया हूँ और इसमें मछली पालेंगे। कुछ दिन आया था और देखा और कुछ साफ सफाई करने के लिए उतरा था, पानी का जो रूट है उधर खेत है उसमें निकाला जा रहा है, ना कि जहाँ सूखेगा वहाँ नहीं निकाला जा रहा है। उसको निकाल करके नीचे जो जमीन है उनको नुकसान होने जैसा है। और चूंकि जो साफ करने वाले लोग आए थे तो उसको हम बोले कि नहीं भाई, हम तो इसे आप लोग के कहने पर हम छोड़ दिए खेत को, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं सो मत रुकिए, आपको दिवा देते हैं, मुआवजा जो बनेगा उसको हम दिवा देंगे बोले, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको मुआवजा कितना मिलेगा बोल के ऐसे कुछ? देखिए 18 से 17 डाली होता है धान, समझ रहे हैं ना, तो हमको उसी के हिसाब से हमको चाहिए था। इस तालाब के बारे में कितना गांव में हम लोग मीटिंग किए, कागज लोग बनाए और ब्लॉक स्तर तक पहुँचाए, लेकिन कोई इसमें सुना नहीं, अनसुनी छोड़ दिया। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आप देखें और जानें और हमारी जो पिछले 10 साल से जो जलकुंभी की समस्या है इसको दूर करने में आप हमारी मदद करें। मैं चाहता हूं कि आप हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर दबाव बनाएं। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का नाम है अमर जॉन आइंद और इनका मोबाइल नंबर है 09835363050 पर। मैं वारले सुरेंद्र झारखंड सिमडेगा से इंडिया अनहर्ड के लिए।